नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने आज कई सारे नेताओं से मुलाकात की है। पहले अमित शाह से मुलाकात की थी और हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी, इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने आज मुलाकात की है। देर शाम मुलाकात उनकी हुई है, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई है। माना ये जा रहा है कि कई सारी बातें जो हैं दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मसलों पर बातचीत हुई है। दिल्ली के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और आज सुबह उन्होंने सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर मोहन यादव ने, उसके बाद फिर हरदीप सिंह पुरी से जाकर उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे थे वे और पुष्पगुच्छ उनको लेकर गए थे और उनको पुष्पगुच्छ दिया और कई मसलों पर बातचीत हुई है। इसके बीच बात ये भी चल रही है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना है और इसको लेकर भी खबर ये आ रही है कि इस पर करीब करीब सहमति बन चुकी है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, लिस्ट फाइनल हो चुकी है और केवल बंटवारा किया जाना है और ये कभी भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि मौसम चूंकि ख़राब है तो मुख्यमंत्री शायद दिल्ली ही रुकेंगे क्योंकि विमान उड़ान नहीं भर पा रहे फॉग की वजह से और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शायद दिल्ली ही रुकेंगे और अगर मुख्यमंत्री कल सुबह लौटते हैं तो फिर कल भी ये विभागों का बंटवारा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हो ही चुका है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बहरहाल मुलाकात की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कई मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। खास तौर पर हाल ही में जो मीटिंग्स हुई हैं उसका ब्यौरा भी दिया गया है, चाहे वो प्रदेश मोर्चा प्रभारियों की बैठक हो या फिर जिला अध्यक्षों की बैठक हो। और सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए कई लोग पहुंचे और मुलाकात करने के लिए नंदकुमार साय भी पहुंचे हुए थे। नंदकुमार साय ने सीएम के बगिया स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग जो हमारे द्वारा की गई थी आखिरकार वो पूरी हुई है और इसके लिए उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय को बधाई भी यहाँ पर दी है। तो नंदकुमार साय पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व कांग्रेस नेता भी, पहले बीजेपी के थे उसके बाद फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस भी उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया। अब वो कहाँ, अभी उनका जो अगला मूव क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन नंदकुमार साय वो नाम भी है जो हमेशा से इस बात का समर्थन करते आए थे या मांग ये उठाते आए थे कि छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए और जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे और जशपुर के चूंकि दौरे पर हैं तो उनके आवास पर ही मुलाकात की और यहां पर बधाई भी दी और कहा है कि आदिवासी सीएम की मांग जो की गई थी हमारे द्वारा वो आखिरकार पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा आज कर दिया। साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, आबकारी और परिवहन विभाग अपने पास रखे। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण के साथ ही कानून और नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, वे गृह मंत्री बनाए गए और केवल गृह मंत्री नहीं बनाए गए, इसके अलावा उन्हें तकनीकी शिक्षा और रोजगार की भी जिम्मेदारी दे दी।
आईएएस की नौकरी छोड़कर विधायक और फिर मंत्री बने ओपी चौधरी, वित्त विभाग संभाले। इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली। वहीं सीनियर मंत्री, सीनियर नेता बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा जैसी महती जिम्मेदारी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री भी बनाए गए हैं वे, स्कूल शिक्षा मंत्री भी बनाए गए हैं। इसके अलावा धर्म और धर्मस्व मामलों के मंत्री बनाए गए हैं, संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं, पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं, तो कई सारे विभाग उनके पास भी दिए गए हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जो महिला हैं, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। केदार कश्यप की बात की जाए तो उनको वन और पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं राम विचार नेताम जो हैं, उन्हें SC ST मंत्रालय के साथ कृषि विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई है, कृषि मंत्री वे बनाए गए हैं। वहीं टंकराम वर्मा जो हैं, उन्हें खेल युवा मंत्री का की जिम्मेदारी दी गई है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री वे बनाए गए हैं। श्याम बिहारी जायसवाल की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। दो डिप्टी CM सहित सभी मंत्रियों का, विभागों का बंटवारा हो गया है और सबको जानकारी दे दी गई है। सभी हमारे डिप्टी CM सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। और आप सब लोगों को हम ये सूची दे रहे हैं कि इनको क्या विभाग मिला है। सर, सामान्य प्रशासन आपको मिला है, किस प्रकार से पूरे स्टेट में सुशासन स्थापित करेंगे? बिल्कुल, 25 दिसंबर जो कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और हम लोग सुशासन के पक्षधर हैं, बिल्कुल अच्छे से सरकार चलेगी। सर, प्रताड़ना और भ्रष्टाचार पिछली सरकार में थी, अब क्या लगता है कि जो नई व्यवस्था होगी उसको कैसे सुचारू? उसी कारण पिछली सरकार की जो दुर्गति हुई और हमारी सरकार में सब बिल्कुल नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी और माता बहनों का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के जो वनांचल क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की, आज जो पहली बार पहुंचे हैं, किस तरह से रिस्पांस उनके लोगों का मिला है? जी, मतलब स्नेह तो चुनाव में ही स्पष्ट था। अभी मैं पहले उसी क्षेत्र में पहुंचा हूं जहां से भाजपा को थोड़ी कम लीड मिली और उन गांवों में भी गया हूं, सब जगह आग्रह किया हूं, सबके बहुत सारे काम बताए, कहा कि छोटे छोटे कामों के लिए भी 5 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा की है और वस्तुतः बहुत छोटे छोटे काम थे। स्थायी पम्प कनेक्शन नहीं हो रहा था, फार्म नहीं भर पा रहे थे किसान, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बाकी बात अलग है। सुनने वाला कोई नहीं था, लोगों को ये लगता था कि रायपुर से आकर के पैसा वैसा बांट के कुछ चमका उमका करके हम वोट ले लेंगे, कुछ भ्रम फैलाकर वोट ले लेंगे। तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो यहाँ था। अब सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, लोगों ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही है। मैं दिन भर से यहीं हूँ और रात भी यहीं रुकूंगा और कल भी यहीं रहूँगा और सारी बातें सबसे करेंगे। इस बीच कुछ मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला कि एक चप्पल नहीं पहना था, क्या ये मामला था? एक नौजवान लड़का है और उसने संकल्प किया था कि जब तक भाजपा न जीत जाए, जब तक रायपुर वाला न विदा हो जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, और वो 1.5-2 महीने से बिना चप्पल के ही घूम रहा था। पूरा चुनाव प्रचार उसने ऐसे ही किया। तो आज जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने अपने हाथों से उसको चप्पल पहनाया। हाँ, इस क्षेत्र की जो ये सड़क है प्रमुख चिल्फी से सलहवारा, ये मार्ग काफ़ी दिनों से लंबी थी, इसको लेकर किस तरह से? इसको तो जिनको बनाना था उन्होंने ही अपने मित्रों से स्टे लगवा कर रखा है। इस पर कार्यवाही, इस पर काम करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र ये बनना चाहिए, इसमें पूरी कोशिश करता हूँ। मनीष मिश्रा, छत्तीसगढ़।
मंत्रिमंडल के गठन के बाद 18 दिन बाद विभागों का भी विस्तार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा अंतराल लगा, लोगों को बहुत इंतजार था। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और विधि, इसके अलावा नगरीय निकाय। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से विकास होगा अब छत्तीसगढ़ का? हाँ, ये सही है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा करके जो जिम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और विभागों के जो काम है उन कामों में गति आए और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अच्छा काम हो, इसकी पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और बड़ा भरोसा जनता ने किया है। जनता की अपेक्षाएं बहुत है, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं छत्तीसगढ़ में, डेवलपमेंट के काम हैं, उसको किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? इसके अलावा जो विभाग बांटे गए हैं उसको किस तरीके से देखते, क्या पूरी तरीके से संतुलित है ये विभाग बंटवारा? अनिश्चित रूप से संतुलित विभाग है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किसे क्या जवाबदारी देना। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर विभागों का वितरण किया है। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कैसी कल्पना है? हाँ, निश्चित है कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया। कांग्रेस ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षा किया। अभी पिछली जब सरकार बनी थी तब भी वही काम किया जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने से पहले कांग्रेस करती रही है। और 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। अब एक मौका फिर से हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भरोसा हम पर किया है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम हम ही करने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे अरुण साव जी, डिप्टी सीएम हैं, विस्तार हो चुका है विभागों का और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो विस्तार जो हुआ है विभागों का उसके तहत काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। हमारे साथ हैं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल जी, सबसे पहले बधाई आपको, मुख्य पद मिले हैं स्कूल शिक्षा और धर्म समाज जैसे पद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लगभग 8 लाख हैं। उस 8 लाख में 4 लाख कर्मचारी जो हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में हैं। तो एक छत्तीसगढ़ की ननिहाल को, छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को और संस्कारित करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए और देश के स्तर पर शिक्षा का स्तर लाने के लिए जिम्मेदारी दी है, नई शिक्षा नीति लागू करने की जिम्मेदारी दी है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा को हम राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना पाएं। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, उन्हें वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले केदार कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर इतनी सारी उम्मीदें रखी है, विश्वास जताया है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो माननीय मोदी जी की गारंटी और जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं को निचले स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकें। जी बिल्कुल। बेहद समृद्ध है वन के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़। आप बस्तर से भी आते हैं तो अब प्लानिंग किस तरीके से रहेगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर होगी? देखिए, हमारे पूरे इस छत्तीसगढ़ को फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और वास्तव में जो हमारा ये छत्तीसगढ़ है ये ऑक्सीजन जोन का काम करता है। तो ऑक्सीजन जोन को हम बढ़ावा दें, ये हमारी कोशिश होगी। और ये पूरा हमारा दंडकारण्य है, दंडकारण्य क्षेत्र है, भगवान राम का वनगमन क्षेत्र है। इस जंगल की खूबसूरती लोग जानते हैं और हम उसका सही तरीके से संरक्षण संवर्धन हमारे माध्यम से किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़।
हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल जी। दयाल दास बघेल जी, विभाग का बंटवारा हो गया है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है जी। क्या है, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। ये जो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साई जी का, जिन्होंने ये दायित्व दिया है और यह विभाग जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम जो विभाग है हकीकत में बहुत बड़े विभाग है। बहुत अच्छे ढंग से सामंजस्य बना करके अच्छे ढंग से इस विभाग को करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा ताकि अच्छे ढंग से विभाग चल सके। ये तो हमारे संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो विभाग दिया है, जो दायित्व दिया गया है सबको उसके। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। कोरबा श्रम की नगरी है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधा लगे हैं और उसके कारण से ही मुझे लगता है कि मुझे श्रम मंत्री बनाया गया, उद्योग मंत्री बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में जो भी उद्योग धंधा लगे हैं उसका हम लोग अभी रायपुर जाएंगे अब 2-3 दिन बाद में, और पूरा अधिकारियों के साथ में बैठक लेकर कितने छत्तीसगढ़ में उद्योग हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, ये सारी की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद मजदूरों के हित में काम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, इसके लिए प्रयत्नशील होगा। किसी भी उद्योग में कोई भी मजदूर शोषण मत हो, इसके लिए भी काम किया जाएगा सारी। सीएम विष्णुदेव साय लेलुंगा पहुंचे जहां पर उन्होंने भुइया पानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पूजा अर्चना के बाद सीएम अपने गुरुदेव के निवास गए जहां पत्नी समेत उनका पूरा परिवार मौजूद था। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान बिरहोर समुदाय की बच्ची ने अपनी बातों से मुख्यमंत्री का दिल जीत लिया। नन्ही बच्ची अंजू बिरहोर ने कहा कि वो बड़ी होकर स्कूल की मैडम बनेगी, तो मुख्यमंत्री ने उसे शाबाशी दी। सीएम भुइयापानी से कमरगा के लिए रवाना हो गए जहां वो शशि कुमार होता के निवास पर भोजन करेंगे। भुइयापानी गांव में हम लोग आना हुआ और यहां पर ग्रामीणों ने बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत किया, पहले तो उनके आभारी हैं। और आज यहां पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित था, सरकारी कार्यक्रम जिसमें विशेषकर बिरहोर जाति के लोगों के लिए एक कार्यक्रम था। बिरहोर जाति कहने से आज उनकी आबादी रायगढ़ जिले में 1100 मात्र है और पूरे प्रदेश में देखेंगे तो लाख में भी नहीं। बिलासपुर के देवरी खुर्द स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची उठ रही लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। आग की लपटों के बीच पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा गुबार फैल गया। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का डर सताने लगा। मामले की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर गई, फायर ब्रिगेड की टीम को भी खबर दी गई। रायपुर के मठ पुरैना में आत्महत्या की खबर ने लोगों को आज हैरान कर दिया। बताएं कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों को जब घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को खबर की, जिसके बाद पता चला कि परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली है। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की थी, बाद में सनसनी फैल गई। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है, इलाके को सील किया गया। आत्महत्या के कारण क्या है इनका अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस पता साजी करने में जुटी हुई है। एक डायरी पुलिस को मिली है, उसके बारे में भी पुलिस और छानबीन कर रही है। पड़ोसी ये कह रहे हैं कि मृतक को अपने ऊपर जादू टोने का शक था, बीते कुछ दिनों से वे लोग परेशान भी चल रहे हैं। तो रायपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी की खबर ने जिला प्रशासन को भी परेशान कर दिया। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मृतकों के घर में पुलिस को एक डायरी मिली है और जांच टीम को यह भरोसा है कि यह डायरी सामूहिक खुदकुशी कांड के रहस्य से पर्दा उठाने में
मदद करेगी। डायरी का फिंगरप्रिंट लेने के बाद हैंडराइटिंग की जांच के लिए भी उसे भेज दिया गया। कॉलोनी है यहाँ क्या बोलते हैं टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थाने में कल रात में कि एक घर से बदबू आ रही करके, तो पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर जाया गया, तो वहाँ पे 3 लाशें हैंगिंग अवस्था में थी। पुलिस के द्वारा जांच कार्रवाई चालू की गई, अभी मामले में एफएसआर रिपोर्ट आना। उधर रायपुर में सामूहिक खुदकुशी के मामले पर अब राजनीति होने लगी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं प्रदेश की सरकार पर, और साथ ही इस मामले पर बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया गया है। सुनिए। दुख ना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जो हैं, उन्होंने भी इस मामले पर जवाब दिया है, पलटवार किया है कांग्रेस पर और कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ नहीं हुआ था। इधर कवर्धा की बात करते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वरांचल वासियों को सौगात दी है और स्टेडियम निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। गांव पहुंचने पर उनसे मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये मांग पूरी कर दी। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के विस्फोटक के जखीरे मिलने के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों ने विस्फोटक जो छिपा कर रखा था वो जखीरा जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने बरामद किया है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जंगल में छिपा कर विस्फोटक रखा गया था और ये पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा जखीरा था। मलकानगिरी के काली मेला इलाके की घटना है। विधायक बनने के बाद बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों की पहली बैठक बुलाई, जिसमें विधायक स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, सीवरेज परियोजना समेत शहर के अधूरे पड़े कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।